नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत को जल्द कोरोना के खिलाफ एक और बड़ा हथियार मिलने वाला है। देश में इस साल अगस्त से रूस की स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। रूस में भारत के राजदूत डीबी वैक्टेंस वर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर तक भारत में स्पुतनिक वी के 85,850,000 डोज का प्रोडक्शन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया का 65-70% तक स्पुतनिक वी का उत्पादन भारत में होगा। वहीं उन्होंने बताया कि भारत में जरूरतें पूरी होने के बाद रूस इसका एक्सपोर्ट दूसरे देशों में भी करेगा। कोविशील्ड कोवैक्सीन के अलावा स्पुतनिक वी कोरोना की तीसरी वैक्सीन है जिसे भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के हालात नियंत्रण में आ रहे हैं। वहीं ब्लैक फंगस को लेकर भी भारत रूस से संपर्क में है जिससे इस बीमारी के इलाज के लिए दवाइयां मंगाई जा सके। रूस की सॉवरेन वेल्थ फंड रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF इस वैक्सीन के लिए फंडिंग करती है। खास बात तो ये है कि उसने भारत की 5 कंपनियों से इसके प्रोडक्शन के लिए समझौता किया है। भारत को अभी तक स्पुतनिक वी 2,10,000 डोज मिल चुकी है। वहीं मई के अंत तक 30,00,000 डोज और मिलेंगे जिसे भरकर इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में स्पुतनिक का उत्पादन 3 चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले रूस से आपूर्ति पूरी तरह से निर्मित जो पहले ही शुरू हो चुकी है। दूसरा RDIF थोक में वैक्सीन भारत भेजेगा या उपयोग के लिए तैयार होगा, लेकिन इसे भारत में विभिन्न बोतलों में भरना होगा। तीसरे चरण में रूसी पक्ष भारतीय कंपनी को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करेगा और भारतीय कंपनी इसका पूरी तरह से भारत में उत्पादन करेगी। इन तीनों को मिलाकर लगभग 85 करोड़ डोज होंगी। रिपोर्ट IPN।